मैं राजेंद्र सिंह जोगिंदर नगर उपमंडल से। दर्शकों, आज मैं आया हूं बातारी बिहू पंचायत में और यहां पर एक घटना चक्र हुआ है। आज रात को ही जो आप हमारे पीछे मंदिर देख पा रहे हैं, ये मंदिर जो है बातारी बिहू के थापरी गांव में स्थित है और थापरी गांव जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं बिहू पंचायत के बीचों बीच बसा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत गांव है। एक घटनाक्रम ये हुआ कि यहाँ पर आज रात को जो है चोरी की वारदात हुई है। जी हाँ, एक मंदिर में चोरी की वारदात, जो कि एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। लाखों और हजारों लोगों की आस्था के ऊपर ये जो है एक आघात सा है। जैसे कि गांव के लोगों ने हमें सूचना दी कि यहाँ पर जो है रात को चोरी हुई है और काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पर जो है सामान और कैश यहाँ पर था वो चोर उड़ा कर के ले गए। जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई 1 लाख के तकरीबन जो है जो माता जी के कुंडल थे और सोने के और चांदी के जो आभूषण थे और कुछ कैश था वो जो है वो चोर उड़ा कर ले गए। तो ये काफ़ी एक बड़ी घटना आप बोल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो है माता आशापूर्णी माता का मंदिर है और हमारे यहाँ बिहू पंचायत में स्थित है और बिहू पंचायत का स्कूल ठीक इसी टीले के पीछे स्थित है, जहाँ पर एक और मंदिर है कि शीतला माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और ये दोनों मंदिर आसपास ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साइड में ये जंगल का थोड़ा सा इलाका है और ठीक इसके नीचे जो है ये थापरी गांव बसा हुआ है और ये थोड़ा टीले में ये मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है इस टीले में। और यहाँ जो है काफ़ी डिस्टेंस नहीं है इस गांव के बीच में, सिर्फ एक सड़क का डिस्टेंस है। ये नीचे ही घर हैं और आप देख पा रहे हैं कितनी नज़दीकी से जो है वो चोर हाथ साफ करके ले गए यहाँ इस मंदिर से। और काफ़ी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो यहाँ पर कुंडे पड़े हैं ये देख सकते हैं आप, ये ताला देख सकते हैं, थोड़े नज़दीक आगे दिखाएंगे ज़रा इसको, ये ताला आप देख सकते हैं गिरा हुआ और ये जो है इस दरवाजे का गेट का कुंडा यहाँ पर जो है टूटा हुआ पड़ा हुआ है और बाकी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि ये सामान पुजारी जी उठा करके यहाँ मंदिर में लाए हैं, बल्कि ये सामान जो है वहाँ उस जंगल में पड़ा हुआ मिला था और वहाँ पर कुछ जो माता जी की चादरें हैं, कपड़े हैं और वहाँ पर भी वो पड़े हुए थे। घटिया ये काम आप बोल सकते हैं। बाकी हम खबर खास के माध्यम से उन चोरों को जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है कहना चाहेंगे कि ये जो है हजारों और सैकड़ों हजारों लोगों की आस्था के ऊपर आघात है, उनकी बददुआएं शायद जो है उनको लगेंगी। और जो भी इस खबर को सुन रहा होगा कृपया इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है पुलिस प्रशासन उन चोरों को पकड़ सके, इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो हम यहाँ पर जो पुजारी हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर जो है कितने साल से ये पूजा कर रहे हैं और क्या क्या इस मंदिर के अंदर था जो कि चोर अपने साथ ले गए हैं। तो पुजारी जी आप बताएं जरा, यहाँ पर ये वारदात कितने बजे के करीब हुई और ये जो है आप इस गांव में थे कि नहीं थे, कहाँ गए थे और यहाँ पर आप क्या इसको सिक्योरिटी के लिए आप क्या करते हैं, ताला लगा के रखते हैं कि क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। मैं इधर नीचे गांव में रहता हूँ जी और ये मेरा घर है नीचे और मैं जो सवेरे जब यहाँ आया पूजा करने तो यहाँ ताला टूटा पड़ा था और सब कुछ बिखरा पड़ा था और यहाँ से सोने के नथ थी माता की जी और ये थे चांदी का ये पेंडल था दो और तिलिया थी और एक कुंड बालिया थी कानों की बड़ी बड़ी, वो सारी साफ करके ले गए। तो ये पुजारी जी अप्रोक्सीमेट कितने अमाउंट का, कितने पैसे का ये जो आभूषण थे माता जी के, कितने पैसे तक के? 1 लाख के करीब है और 5 छत्तर भी ले गए यहाँ से चोर चढ़ा के। 5 छत्तर और थे? 5 छत्तर और थे माता के, उनको भी उड़ा के ले गए। तो आप जैसे रोज आते हैं, रोज तो आपको ताला ठीक मिलता था, जैसे आज ये आपने देखा होगा कि ताला टूटा होता है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है? हाँ, जब मैं देखा तो यहाँ ताला नीचे पड़ा था और कुंडा भी और गेट खुला हुआ था, मैं शक हुआ फिर मैं नीचे फिर गया घर में, कभी ताला तो नहीं खोला किसी ने, चाबी नहीं, अभी देखा तो नीचे यहाँ सब कुछ गायब।
ये टूटा पड़ा था, जैसे इसमें हमने भी देखा कि किसी नुकीली चीज से इसको जो है निकाला गया है। निकाला गया और जो अरला जो है वो भी मतलब टेढ़ा हो गया है। और इसके साथ जो सामान था वो और यहाँ बाहर बिखरा पड़ा था कि क्या कहाँ पे जा? ये इधर साइड में थोड़ा सा माता के कपड़े और ये थोड़े बजाने बजाने वाले के है। जी जी, ये भी बाहर जंगल में मिले हमारे को भी। जो यानी कि कीमती सामान थे वो सब ले गए और ये बाकी छोड़ गए? ये छोड़ गए द्वारे पीतल वातल का, वो सोना चांदी ले गए सारे उड़ा के, और 5-6 ले गए। 5-6, हाँ। तो 1 लाख के करीब आप ये कीमत बताई जा रही है इसकी? 1 लाख के करीब जी। कितने साल ये पुराना मंदिर है? ये 28 साल पुराना मंदिर है। 28 साल पुराना मंदिर जी। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये इन्होंने पुजारी जी ने बताया यहाँ पर जो है ये 28 या 30 साल पुराना मंदिर है। और आप देख सकते हैं इस मंदिर के जो है कुछ रंग रोगन का काम भी लगा हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ रिपेयर का काम लगा हुआ है। ये थोड़ा जर्जर सी हालत में हो गया था, और जो है माता की मूर्ति जो है वो अंदर, रथ जो है वो अंदर विराजमान है वैसे की वैसे। तो आपको फिर से बता दूं कि ये जो है आज रात की ये घटना है थापरी गांव में, बातारी बिहू पंचायत में। यहां से लोग जो हैं तकरीबन 1 लाख रुपए के आभूषण जो हैं वो उड़ाकर ले गए हैं इस मंदिर से। तो ये जघन्य अपराध हम इसको कहेंगे अपने आप में। और पुलिस प्रशासन से एक बार फिर से हम गुजारिश करते हैं खबर खास टीवी की, जल्दी से जल्दी जो है इस केस की तह तक जो है पहुंचें, और जल्दी से जल्दी इस जो कि इस वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया है वो उनको जल्दी से जल्दी पकड़े। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से खबर खास टीवी की तरफ से ये गुजारिश करूंगा, जो भी यहाँ पर हिमाचल में बाहर के राज्यों से जो लोग आते हैं, फेरी वाले आते हैं, कुछ बेचने वाले आते हैं, तो कृपया करके उनकी जो है आप जरूर उनकी आईडी चेक करें, और उनके पुलिस स्टेशन से उनकी पुलिस परमिशन को भी उन चेक करें, ताकि वो जो है यहाँ पर बिना आईडी के घुस ना सके। क्योंकि गांव के जो भोले भाले लोग हैं वो अपने खेतों में जाकर के काम करते हैं दिन में, और शाम को वो अपने घरों में आते हैं, और रात को इस यहाँ ठंड इतनी होती है कि ठंड की वजह से जो है वो अपने घरों में एकदम 6 या 7 बजे ही बंद हो जाते हैं। जब लोग घरों से बाहर होते हैं दिन में काम करने के लिए जाते हैं, तब ये फेरी वाले लोग यहाँ पर आते हैं, और रोज़ जो है एक जजमेंट के तौर पर जो है सारे में देख कर को छोटे मोटे सामान बेच करके चले जाते हैं, ताकि इनको पता लग सके कि कौन लोग कितने बजे जाते हैं और कितने बजे आते हैं। तो पीछे से मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इन लोगों का भी इसमें हाथ होगा, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं ऐसी हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ों में जो है आस्था बस्ती है यहाँ पर लोगों की, इन मंदिरों में जो है पूजा पाठ ये लोग करते हैं, और ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बाहर से आने वाले राज्यों से जो लोग आते हैं वहाँ के लोगों का भी ये काम हो सकता है, जो कि डेली यहाँ पर अपना सामान लेकर घूमते हैं और देखते रहते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है गांव के लोगों से कि ऐसे लोगों को अपने गांव में एंटर ना करने दिया जाए, और स्ट्रिक्टली उनसे जो है वो पुलिस की परमिशन पूछी जाए, उनके आई कार्ड चेक किए जाएं, अदरवाइज़ अगर उनके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं होती है तो उनको वापस जो है शहर भेज दें, और वहां पर उनको बोलें कि जो अपने आई कार्ड लेकर आएं और पुलिस परमिशन जो है लेकर के आएं। तो यहां पर कुछ गांव के और भी लोग बैठे हुए हैं, चलिए इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं ये क्या बोलते हैं इस बारे में, इस मंदिर के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। ये तू सारा घर को थी है? ये थी जी थापरी मंदिर। अच्छा अच्छा, तू सारा मंदिर आ गया? कोई बात नहीं, कोई ना, चलो। ये क्या कितने साल पुराना मंदिर है? पुजार जी बोले 28 साल तो होंगे मंदिर बन रहे। ये तो पहले असरे बच्चे नहीं हुए थे, बल्कि तदी ये पहले प्रसन्न तो चलो माता मेहरबानी हुई थी, कृपा ना जी। चलो बहुत बढ़िया। एक मैं सुने थी जी कुंडल जी है, एक बाली जी अंदर रही है, किड्डी बड़ी बाली थी, दस गए वाला लिया बोला। अच्छा ये चोरी क्या बोलना तुसे चोरी आ रहे हो? क्या बोलना जी भाई, तीन अर्थ थी ना माता नांगी करी थी, एड़े नांगे हो से हूं से के बोल संगे माता अगे हाथ जोड़े माते भाई तू बैठी थे तू भी तीन कर कुछ जी। चलिए देखिए ये लोग जो है काफी परेशान है यहाँ पर, और ये जो बाली है, एक बाली जो है माता की बाली यहाँ पर रह गई है, थोड़े नजदीक से दिखाएंगे इसको। ये देखिए कितनी बड़ी ये सोने की बाली है, तो ऐसी एक बाली उनसे गलती से छूट गई, लेकिन और भी जो आभूषण थे वो जो है वो
चुरा कर वो ले गए हैं। तो ये लाखों रुपए की एक चोरी आप बोल सकते हैं। तो आप गांव वाले जो हैं, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा, जो भी यहां पर फेरी वाले आते हैं, एक बार फिर से कहेंगे, फेरी वाले जो भी आते हैं उनको यहां पर घुसने ना दें अपने गांव में, और आसपास के लोगों को भी जो है बता कर रखें, दूसरे गांव के लोगों को, कि यहां पर कोई आदमी जो है बिना आइडेंटिटी के और बिना पुलिस परमिशन के एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है और भी महिलाएं हमारे साथ है, एक यहाँ पर महिला मंडल की प्रधान भी हैं हमारे साथ, तो इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में और प्रशासन से इनकी क्या मांग रहेगी। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीरा है, मैं 20 महिला मंडल की प्रधान भी हूँ। जी आप यहाँ पर जो है प्रशासन से खास मांग रखना चाहेंगे कुछ इस चोरी की वारदात को देखते हुए? इस चोरी की वारदात को देखते हुए मैं पुलिस से ये मांग करना चाहती हूँ कि हमने पहले भी बोला हुआ है उनको कि यहाँ पे हमारे स्कूल भी है, मंदिर भी है, तो यहाँ पे महीने के एक दो बार तो गश्त लगाई जाए, चक्कर लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई शराब पीने बैठे होते हैं, कोई शोर करते हैं रात को। तो मेरी यही मांग रहेगी कि भई आप यहाँ पे गश्त लगाते रहें महीने के दो बार। जी धन्यवाद। तो देखिए ये जो हैं यहाँ महिला मंडल के प्रधान भी हैं और इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात बोली है, एकदम से 100% मैं आपको बोलूँगा। यहाँ पर जो है ये काफ़ी जंगल का इलाका है, गांव का इलाका है, काफ़ी दूर दूर यहाँ पर मकान होते हैं, जैसे घर होते हैं। तो आपसे प्रशासन से खबर खास टीवी की ये स्पेशल एक खास मांग रहेगी कि इस इलाके में इन दो तीन पंचायतों में, नोहली पंचायत तक जो है, भराड़ू पंचायत से नोहली पंचायत तक जो है, हफ्ते में एक या दो बार जो है पुलिस टीम भेजी जाए, गश्त लगवाई जाए, खास करके शाम के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के लोग पिकनिक भी बनाते हैं, कई तरह के यहाँ पर नशा भी कर सकते हैं, ये हमें मतलब कि शक होता है जैसे कि। तो यहाँ पर काफ़ी खुला ये एरिया है, तो ज़रूर यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन से मांग रहेगी, SDM साहब से भी मांग रहेगी कि वो यहाँ पर हफ्ते की एक या दो दिन ज़रूर पुलिस के गश्त लगवाएं। तो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि ये माता आशा पूर्णी का मंदिर है और यहाँ पर जो है लाखों की चोरी जो है आज रात को हुई है। तो पुलिस प्रशासन से एक बार फिर से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इन चोरों को पकड़ा जाए और जो है जेल के अंदर भेजा जाए। तो चलिए, राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, खबर खास टीवी के लिए जोगिंद्रनगर, बातारी बिहू से।